हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल है, देखिए दो बड़े ही प्यारे बच्चे ने ये सवाल भेजा है जिसका नाम है आयुषी दास और वंदना टायर। तो इस सवाल में हमें करना क्या है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है और फिर उसे हमें चेक भी कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, 0.3x प्लस 1.75 इक्वल्स टू माइनस 3.2x। तो हम लोग करेंगे कैसे, एक्स वाले टर्म के साथ ले आएंगे। सबसे पहले तो 0.3x इधर माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये बन जाएगा 3.5x इक्वल्स टू माइनस 1.75। अब ये x के साथ ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 3.5, तो माइनस 1.75 बाय 3.5। अब देखो सबसे पहले काटने से पहले इजीली जो अगर करना है तो पहले पॉइंट को हटा लो, माइनस 1.75 बाय 35। अब देखो नीचे एक डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉइंट के बाद ऊपर दो डिजिट है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 0 कैंसिल। अब बचा क्या, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1.75 बाई 3.5, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल करते हैं, ये 35 टाइम्स ये 70 टाइम्स, ये 7 टाइम्स ये 14 टाइम्स। ठीक है, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो है माइनस 1/2। इसे अगर हम लोग चाहे तो हम लोग माइनस 0.5 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसे पॉइंट में लाना है तो। ठीक है, और नहीं लाना है तो माइनस 1/2 भी सही है। रही रही बात चेक करने की, तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS करेंगे। LHS जो था ये 0.3x प्लस 1.75। अब इसमें करना क्या है, ये जो हम लोग हमारे एक्स का वैल्यू जो मिला था वो एक्स एक्स में डाल देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 0.3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1.75, तो ये बन जाएगी आपकी 3/10। पॉइंट को हटा दिया हम लोगों ने, इंटू माइनस 1/2 प्लस 1.75। ठीक है, फिर अभी से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 3 और ये बन जाएगा 20 प्लस 1.75। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एलसीएम निकाल लेंगे, ये 20 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये माइनस 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 35। फिर ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस होता है और साइन बड़े बड़े वाले का आएगा, 32/20। अगर इसे हम लोग डिवाइड करें तो ये आएगा 1.6। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये देखो ये वाला टर्म है राइट हैंड साइड, माइनस 3.2x। इसका मतलब माइनस 3.2 इंटू माइनस 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3.2 इंटू 1 3.2/2, तो इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा जो चेक है और जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग इसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कोई भी मैथ्स, कोई भी किसी भी तरीके का सम्स अगर आपको डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।